समाज में हम संगठित समूहों में रहते हैं जहाँ विश्वास प्रणाली की मौजूदगी बनी रहेगी क्या ऐसा है तो टकरावों की मौजूदगी जारी रहेगी आप कह रहे हैं कि वे विश्वास करते रहेंगे क्या आप यही कह रहे हैं हाँ विश्वास प्रणालियां जारी रहेंगी क्या आप आगे के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं इसे भविष्यवाणी होना जरूरी नहीं है मेरे विचार से अगर आपकी बुद्धिमत्ता काम कर रही है अगर आप उसे काम करने देते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता किसी भी चीज में विश्वास करने में नाकाबिल है क्या ऐसा नहीं है हां या नहीं हा? आपकी बुद्धिमत्ता जानना चाहती है यह किसी चीज पर विश्वास करने को तैयार नहीं है लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता को त्याग दे रहे हैं क्योंकि आपका डर इतना प्रबल है कि विश्वास करने में आपको आरामदेह महसूस होता है लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता को आपको आगे ले जाने देते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता किसी चीज में विश्वास नहीं करती वो हर चीज जानना चाहती है है है। ना? कि आपकी बुद्धिमत्ता की यही प्रकृति तो अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता को काम करने देते हैं तब आप देखेंगे कि आपके सारे विश्वास बस बिखर जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आप जानते नहीं हैं है ना लेकिन इसे स्वीकार करने में आपको बहुत दबाव लेना होता है असल में आपको पता है कि आप नहीं जानते हैं है ना क्या आप जानते हैं हां समस्या क्या है आपको किसी के आगे स्वीकार नहीं करना है कि आप कम से कम अपने आप से स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं जानता अगर आप नहीं जानते तो क्या आप यह देखते हैं कि आपको अपनी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करनी होगी क्या आप यह समझते हैं देखिए मान लीजिए घना अंधेरा है आपको नहीं पता कि जमीन कैसी है क्या आप देखते हैं कि आप अपने हर कदम में कितने सतर्क बन जाएंगे यह ऐसा ही है जब आप नहीं जानते तो हर चीज चमकदार बन जाती है वो बस खोज रहा है आपकी बुद्धिमत्ता पूरी तीव्र हो जाती है और खोजती है जब आप मान लेते हैं मैं जानता हूं तो हर चीज धीमी पड़ जाती है और आप अपने मूर्खतापूर्ण जीवन को जारी रखते हैं अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो क्या यह ठीक है क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे हु? क्या यह आपके लिए ठीक है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें या ये भगवान के खिलाफ है ये ठीक है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप अपना जीवन जीने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो क्या यह भगवान के खिलाफ है अगर भगवान बुद्धि के खिलाफ होता तो उसने इसे बनाया ही नहीं होता अगर भगवान आपके बुद्धि से काम करने के खिलाफ होता तो यह आपको दी ही नहीं गई होती है ना तो अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि किसी चीज पर विश्वास करने को तैयार नहीं है ये सिर्फ आपके अंदर का डर है आप कभी भी ये विश्वास मत कीजिए कि ये भक्ति है भक्ति नहीं बस डर है जो आपको चीजों पर विश्वास करा रहा है है ना इसीलिए आपने इसे भय भक्ति बना दिया है <laughs> भय और भक्ति साथ नहीं होते अगर भक्ति आ जाती है माफ कीजिएगा क्या आप जानते हैं भय भक्ति क्या है हुँ? नहीं भय का मतलब है डर भक्ति का मतलब निष्ठा देखिए अगर भक्ति आ जाती है तो आप में डर नहीं होगा अगर डर मौजूद है तो उसका मतलब है कि भक्ति नहीं आई है लेकिन आपने एक मिश्रण बना लिया है आप दोनों को रखना चाहते हैं भय भक्ति भय भक्ति जैसा कुछ नहीं होता बस भय सिर्फ डर डर और भक्ति साथ साथ नहीं हो सकते कृपया इस पर गौर कीजिए